चलिए आज के क्लास का हम आगाज करते हैं नया टॉपिक के साथ। सामने देखिए आपका टॉपिक लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग निकालना। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालना, कौन कौन गुणनखंड होगा ये निकालना, सब गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड की संख्या निकालना। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़े और गुणक वाला पढ़ चुके हैं। नहीं, कोई भी संख्या में दिए गए संख्याओं के गुणकों का गुणनखंड कौन कौन होगा निकालना। आज का टॉपिक क्या है कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग निकालना। एकदम छोटा से एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आवे। एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि एग्जांपल क्या है, 24। ठीक है, 24 का बताइए गुणनखंड कौन कौन होता है। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब बताइए अगर हम सबको जोड़ देंगे तो कितना योग होगा। 24 × 36, 36 × 8, 44, 44 × 6, 50, 57, 58, 59, 58, 60 होगा ना योग, 60। लेकिन सवाल है कि अगर हमको बड़ा बड़ा संख्या दे दे हम कोई पूछ दे निकालने के लिए तो हम है संभव इतना जोड़ित रहेंगे और हो जाएगा। तो अब देखिए इसका टेक्निक आपको एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। आपको करना क्या है ना कि जैसे अभी तक हम लोग सीखे हैं कि 24 का कौन कौन गुणनखंड होगा ये निकालने के लिए सीख चुके हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 8 × 3 लिखे इसको, यानी कि 2³ × 3 = 1 होगा। हाँ सर, अब कौन कौन गुणनखंड होता है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेकर 3 तक जाएंगे। जैसे 2³ × 0, 2³ × 1, 2³ × 2, 2³ × 3 इसको जाते हैं हम 0 से 3 के पावर 1 है तो इसको कहां तक जाते हैं, 0 से लेकर 3 के पावर 1 तक। अच्छा, इस सब को बारी बारी से सब में हम गुना करते हैं तभी ना हमको कौन कौन गुणनखंड हुआ निकलेगा। तो अब बताइए हमको चूंकि योग निकालना है तो अगर हम एक बार में अगर इस सब को हम यहाँ ऐसे ऐड कर दे और अगर इससे अगर हम इसका योग में ऐसे गुना कर दे तो क्या इसमें से जितना भी हमको दिख रहा है सब का सबसे गुना हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ सर, होगा ना, हो जाएगा। 2³ × 0 से 3³ × 0, 3³ × 1 दोनों से गुना होगा, दोनों से होगा, मतलब योग भी हो जाएगा, इसका भी सबसे हो जाएगा, इसका भी सबसे हो जाएगा और इसका भी सबसे हो जाएगा। हाँ सर, तो अगर हो जाएगा तो हम उसके बाद यानी पहला स्टेप में ही काम करेंगे, दूसरा स्टेप में ही काम करेंगे कि जैसे 2³ है तो 0 से लेकर 3 तक ही लिख देंगे योग के रूप में, और अगर ये 3³ है तो 0 से लेकर 1 तक ही लिख देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में हम गुना करेंगे। तो बताइए 2³ × 0 = कितना, 1। 2³ × 1 = 2, 2³ × 4 = 8। इसको गुना करना 3³ × 0 = 1, 3³ × 1 = 3। अब यहीं से बताइए 8 × 4 = 12, 2 × 14 = 15, 3 × 1 = 4, 15 × 4 = 60। तो कितना आसानी से हम लोग समझ गए शॉर्ट में। यस सर, ठीक है। तो इसी पर एक एग्जांपल और हम देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको कह दे एग्जांपल दे दिया 60, प्रश्न अगर आपको दे देता है कि 60 के जितने भी गुणनखंड होंगे वो सबका योग निकालिए, तो इसका भी वही टेक्निक हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, 15 × 4 करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2³ और 15 × 3 = 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम बेसिक में नहीं जाएंगे, बेसिक में समय आपका ज्यादा लगेगा, आप डायरेक्ट शॉर्ट में जाएंगे। तो शॉर्ट हमारा यही निकलता है इसका योग हमारा क्या होगा, 2² है, 0 से लेकर 2 जाएंगे, ठीक है। बोलिए 3³ है तो कहां तक जाएंगे, 0 से 3³ × 0 + 3³ = 1 गुना 5² है तो कहां तक जाएंगे, 5² = 0 से 1। अब बताइए इसी का तो हमारा आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा 2³ × 0 = 1, 2, 4, 1 + 3, 1 + 5। अब बताइए 4 × 2 = 6, 3 × 1 = 5, 6 × 6 = 7, 7 × 4 = 24। देखिए अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं
एग्जांपल हमारा अगर मान लेते हैं कि 120 ले लेते हैं, देखिए मैं सुन, अगर आपको प्रश्न में पूछ देता है कि 120 के जितने भी गुणनखंड होंगे उस सब का आपको योग निकालिए, तो आइए इसको हम देखते हैं कितना आसानी से बना सकते हैं। देखिए 120 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 2 पहले लिखिए, कितना 7 गुना 2 ना वैसे हम नहीं, अगर बाद में तोड़िएगा 12 गुना 10 लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिखेगा मन है, ठीक है देखिए 12 मन है जितने लिख कर मान लेंगे, ठीक है अब बताइए कैसे तो आज से बिगड़ा तुम तो इतना आदा से 15 गुना 4 12 गुना 10 लिख दिए, इसको क्या कर सकते हैं 4 गुना 3 2 गुना 2 गुना 5 5 अब 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 2 हां सर यहां 2 तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 के पावर 3 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 आसानी से टूटना है, बस मेरा कहने का मकसद यह है कि हम कैसे आसानी से टूटेगा। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में टूट गया, अब हमको योग निकालना है, क्या करेंगे टेक्निक बताया अभी ना जी, तीन तक है तो कहाँ से जाएंगे, जीरो से तीन तक, जीरो वन टू थ्री यहाँ तक भी चला जाएगा, गुना करेंगे जीरो से तीन के पावर वन है तो कहाँ से जाएंगे, जीरो पावर जीरो तीन के पावर वन, और पांच के पावर वन है तो पांच के पावर जीरो प्लस तो दिक्कत नो दिक्कत। अब यहाँ से बताइए दो के पावर तीन का मतलब कितना, वन प्लस टू प्लस चार प्लस आठ होगा, हाँ सर यहाँ पर वन प्लस तीन होगा और यहाँ पर वन प्लस फाइव, इसी संख्या के पावर जीरो तो उसका मान एक सर। अब बताइए आज चलो पंद्रह पंद्रह तीन चार पाँच छ छ पंद्रह चौके साठ साठ एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, देखिए फटाफट नाम अगर एग्जाम्पल आपको दे देता है कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे उसका योग निकालिए, ठीक है तो 72 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, 12 6 72 9 8 72 9 गुने 8 जी सर, अगर हम 9 गुने 8 करेंगे तो 3 गुने 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 2। अब यहां से अगर हमको योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 3 तक जाएंगे जी सर, 0 3 के पावर 0 से 2 3 के पावर 2 तक जाएंगे सर जी सर 3। अब यहाँ तीन के पावर दो को कहाँ तक जाएंगे, तीन के पावर जीरो प्लस तीन के पावर वन प्लस तीन के पावर दो, कोई दिक्कत। अब बताइए दो के पावर तीन के मतलब कितना, आठ, दो के पावर दो के मतलब कितना चार, आठ चार बारह दो चौदह एक पंद्रह, ठीक है। अब बताइए तीन तीन आई नौ, तीन बारह बारह एक तेरह, पंद्रह में तेरह से गुना कीजिए कितना होगा रिजल्ट, तेरह पचास पंद्रह छह डेढ़ सौ, पंद्रह दिया आठ सौ पंचानवे पैंतालीस, डेढ़ सौ प्लस पैंतालीस कितना एक सौ, समझ में आया है। तो चलिए एक एग्जांपल हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं, अरे प्रश्न क्या दिया हम, अब प्रश्न हम दे रहे हैं कि 7400 नहीं 2160 हाँ ये सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, अब प्रश्न क्या है 2160 के बनाना है, 2160 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सब का योग निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ एक और तीन मिलकर क्या होगा, दो के पावर चार बना देंगे, दो के पावर तीन और पांच के पावर के पावर आज बोल करके हमारा टूट गया, टूट गया ना हां सर। तो अब योग का क्या नियम है जी, कि जीरो से लेकर कौन तक जाएगा, यानी कि दो के पावर जीरो, दो के पावर वन, दो के पावर दो, दो के पावर तीन, दो के पावर चार, चार गुना ये जाएंगे जीरो से तीन के पावर जीरो, तीन के पावर वन, तीन के पावर दो, तीन के पावर तीन गुना बताइए वन तीन नौ सताइस और सताइस के लिए यहाँ कितना सताइस चार हो ना, हाँ सर। अब यहाँ से कितना वन वन फाइव पाँच, अरे कभी कभी जैसे कोई खा के मन करे ज्यादा तो ज्यादा ना लगे लेकिन ये में ज्यादा नहीं खा गलती हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 16 और 8 24 24 और 4 28 28 2 30 और 1 31 31 ही हो गया 27 और 9 कितना
36 छत्तीस 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 की 186 हो गया गुना 40। देखो कैसे ही सब गुना के आसानी से कर सकते हैं, ये सब करना कोई भारी नहीं। 186 में 4 से गुना करना आसान है, 24 के 4 हाथ में 2, 32 से 2 34 की 4 हाथ में 3, 4 का 4 3 7 ये मुझे बैठा देंगे। हां सर, आपको कहीं पर कोई इतना टेंशन भी नहीं होगा। आ गया ना सर? यस सर। आया 40। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न आपको क्या दिए हैं, एग्जाम्पल क्या बोले, 19600 को 19600 पता करना है गुणनखंडों का योग कितना होगा। 19600 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सब का हमको योग निकालना है। प्रश्न यही दिए हैं 19600। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। हम कैसे कर सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 को लिख सकते हैं 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुने 5 196 4 गो तो फाइनल में 2 को पावर 5 का गो है 5 का पावर 2 7 का पावर 1 7 का पावर हो गया। हाँ, तो जब ई आ गया तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे योग क्या होगा जी। 0 से लेकर 4 तक ही जाएगा। 0 1 2 3 प्लस गुना कहाँ तक जाएगा, 0 1 3 2 और ये कहाँ तक जाएगा, 0 1 आ गया। ठीक है, हां अब बताइए ये हो जाएगा 1 2 4 8 3 16 अभी कितना होगा, 1 प्लस 5 प्लस 25 अभी कितना होगा, 1 प्लस 7 प्लस 7 4। ठीक है, अब बताइए जोड़िए इसको, 16 8 कितना, 16 8 4 4 8 2 31 अब यही तीनों को आपको गुना करना है। गुना करने पर कितना रिजल्ट आ रहा है, 54,777। चलिए सब कोई गुना कर लिए हैं तो आपका यही आंसर आ जाएगा। हां सर, ठीक है ठीक है। हां नहीं आया था क्या, जाने बोल रहे कि नहीं आ रहा। 55,777। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।